इस सीरम को कुछ ही दिनों के लिए यूज़ करने से आपको सीरम के विजिबल डिफरेंस नज़र आएंगे। आपके आसपास के लोग भी आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अच्छा, आज हम प्रिपेयर करेंगे वाइटामिन सी कंप्लीट पैकेज का सेकेंड पार्ट। ये वाइटामिन सी कंप्लीट पैकेज का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रिपेयर करा था वाइटामिन सी स्क्रब और वाइटामिन सी टोनर। इन केस आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आई वुड रिक्वेस्ट आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो के लिए हमारा की इंग्रेडिएंट रहेगा वाइटामिन सी टोनर। जैसे हम बनाएंगे वाइटामिन सी सीरम, जो कि आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होकर आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा ब्राइटन कर देता है। और वैसे भी आजकल विंटर सीजन है, हम सभी लोग कॉन्स्टेंटली धूप में बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा डल हो जाती है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए वाइटामिन सी सीरम प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो वाइटामिन सी सीरम प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले एक बोल लेना है, उसमें ऐड करना है 1 से 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल। आप भी सभी इंग्रेडिएंट्स इसी क्वांटिटी में डालें, क्योंकि हम इस सीरम को ज्यादा दिन के लिए स्टोर करके नहीं रखेंगे, इसलिए ज्यादा क्वांटिटी में आप इस सीरम को बनाना अवॉइड करें। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन, लगभग 1/2 चम्मच। विंटर्स में जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और डल हो जाती है, इस टाइम पर ग्लिसरीन, जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है, वो हमारी स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को रिटेन करता है, ड्राइनेस हटाता है और साथ ही साथ हमारी स्किन को रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करता है। ग्लिसरीन के बाद हम इसमें डालेंगे बादाम रोगन शिरीन, यानी कि स्वीट आमंड ऑयल। इसे भी आप 1/2 चम्मच ही डालेंगे। आमंड ऑयल एक रिच सोर्स है विटामिन ई और के का। इसके अलावा आमंड ऑयल आपकी स्किन को नरिशमेंट देता है और आपके कॉम्प्लेक्शन को एक शेड लाइटर करने में भी आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है हमारा मेन और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, दैट इज विटामिन ई टोनर, जिसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में प्रिपेयर किया था। मैं फिर से दोहराऊंगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस टोनर के हम ऐड करेंगे लगभग 1 से 1.5 चम्मच और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। मिक्स तब तक करेंगे जब तक ये सारा टोनर एक साथ ना हो जाए। ये सीरम आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ये आपकी स्किन के रेडियंस को रिटेन करेगा और आपकी स्किन को और ज्यादा ग्लोइंग बनाएगा। आप देख ही सकते हैं ये कितना थिक और क्रीमी सा बनकर रेडी हो गया है, प्लस इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक विटामिन ई का कैप्सूल। ये कैप्सूल हम अपने विटामिन सी सीरम को प्रिजर्व करने के लिए डालेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटामिन सी बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये हमारी स्किन पर असर नहीं करेगा। विटामिन ई कैप्सूल ऐड करने के बाद आप इस सीरम को लगभग 1 वीक तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके इजीली रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास विटामिन ई अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर आप विटामिन सी सीरम को सिर्फ 2 से 3 दिन तक के लिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके ही रखें। अब इस सीरम को अच्छे से एक बार फिर से मिक्स करेंगे और एक कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे। यहाँ पर एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि आप सीरम को स्टोर करने के लिए किसी भी क्लियर बॉटल या कंटेनर का यूज ना करें। सीरम को स्टोर करने के लिए आप किसी भी डार्क या कलरफुल कंटेनर का ही इस्तेमाल करें। इस सीरम को स्टोर करने के बाद आप इसमें लास्ट और ऑप्शनल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे 2 से 3 स्ट्रैंड्स केसर, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है और आपकी स्किन को इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है। लेकिन अगर आपके पास केसर अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब यूजेज की बात करें, सबसे पहले अपने फेस को विटामिन सी स्क्रब से अच्छे से क्लेंस कर लें और उसके बाद विटामिन सी टोनर अपने पूरे फेस पर स्प्रे कर लें। जब आपका टोनर आपके फेस पर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए तो आप यूज करेंगे विटामिन सी सीरम, जिसे हमने अभी अभी प्रिपेयर किया है, और 2 से 3 मिनट तक के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में अपने फेस पर मसाज करेंगे। इस रेमेडी के बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स पाने के लिए आप इस रूटीन को सुबह और शाम दोनों टाइम फॉलो करें। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि विटामिन सी सीरम को यूज करने के बाद आप डायरेक्टली धूप में ना जाएं। अपनी सनस्क्रीन को प्रॉपरली इस्तेमाल करना ना भूलें। इस सीरम के सभी इंग्रेडिएंट्स विटामिन सी के बहुत ही रिच सोर्स हैं, जो ना सिर्फ आपके कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करेंगे बल्कि आपके कितने भी पुराने दाग धब्बे, हाइपरपिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव कर देंगे। आप बस निश्चिंत होकर 14 डेज के लिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और बिलीव मी, आप रिजल्ट्स देखकर खुद हैरान हो जाएंगे। तो आप इस रूटीन को जरूर फॉलो कीजिएगा और वापस आकर इसके आफ्टर रिजल्ट्स भी शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपके लिए आज का वीडियो भी काफी यूजफुल रहा होगा। इफ आंसर इज यस,
तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।